जी प्यारे बहन भाई, एक हमारी आंटी है बुशरा सुल्ताना, उनका नाम है। तो जैसे कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, आपने उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको शफा दे दे, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए, आमीन सुमामीन। और एक हमारे अंकल है, अंकल महमूद, अल्लाह पाक उनको भी सेहत अता फरमाए, अल्लाह पाक उनको भी तंदुरुस्ती दे, सेहत अता फरमाए, आमीन सुमामीन। अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे और उनके घर वालों को सबको सलामत रखे, आंटी बुशरा सुल्ताना को भी और अंकल को भी अल्लाह पाक खुश रखे, बाद रखे, उनके बच्चों को उनको सेहत अता फरमाए, उनके बच्चों को और उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक उनको हर परेशानी से दूर रखे, अल्लाह पाक उनको हर बीमारी से भी शफा अता फरमाए, आमीन सुमामीन। एक और हमारी आंटी है, आंटी यास्मीन, आंटी यास्मीन यूके से वो हमसे बात करती हैं, फोर ब्रेड से, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, आबाद रखे, उनके बच्चों को भी, उनको भी सेहत अता फरमाए, अल्लाह पाक उनको भी तंदुरुस्ती दे और उनको भी सेहत अता फरमाए, आमीन सुमामीन। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस सलाम को उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। तो चले जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले लोगों से यही गुजारिश होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमें देखते हैं, हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्त दे, खुश रहे, बाद रहे। और जी यहाँ पे अदरीस साहब भी बैठे हैं, आपको अदरीस से भी मिलवाते हैं और अनायस से भी मिलवाते हैं। चले जी अनायस सलाम कर दो। वालेकुम सलाम। तो अपने बहन भाई बोलेंगे, आप क्यों बोल रही हो? तो कहते हैं ऐसे कहते हैं, तो इसलिए ना मैं कह रही थी, अभी मैंने सफाई करने काल, वैसे मैंने सफाई की थी, ये ना बहुत ही ज्यादा गंद करती है अनाया, ये बात नहीं मानती, तो इसीलिए ना फिर मैंने इसको मारना है। तो चले जी मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ दिल्ली से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज ना हम जा रहे हैं बाज़ार, वहाँ से हमने ना मेडिसिन चेंज करवानी थी, हमने कहा मैं लेके जाता हूँ, अभी पता करता हूँ कि होती हैं कि नहीं होती। हाँ जी जी, तो इंशाल्लाह फिर जैसे ही मैं वापसी आता हूँ फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाँ जी, दुआ में भी याद रखिएगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह से समरीन जो है नीचे आई हुई थी, तो मैंने कहा मैं इसकी वीडियो बना लेता हूँ। क्या कर रही हो? मैं आपकी ना कमीज को ना ढेल रही हूँ। क्यों? ये इसको फिटिंग करनी है थोड़ी सी, बहुत खुला है सूट ना आपका, तो मैंने इसे कहा कि ये आप पहने, ये देखिए नाया की काम जामेशीरी लगा दी है, कितना खुला है, ज्यादा है ये देखिए। हाँ जी, बहुत ज्यादा खुला है। आप पहनेंगे? हंस क्यों रही हो? इसलिए हंस रही हूँ कि आप पहनेंगे कैसे लगेंगे इसको? तो यार फिर क्या हुआ, गरीब बंदे ऐसे ही लगते हैं। चले खैर, अभी इसको हम देने लगे, फिर सिलाई पे इंशाल्लाह इसको सिलाई करके ठीक करेंगे। हाँ जी चलें, कोई बात नहीं। आप वैसे आज भी हम कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे दोपहर को कहा था, मुझे याद आ गया। आज आपको मैं बताता हूँ ना कहाँ जा रहे हैं। इधर दुल्ला जो है ना यहाँ पे सो रहा है। दुल्ला क्या हो गया आपको? शाम तो कर दो, बुखार आ गया। अच्छा, वो कैसे आ गया? दाई ले आए आपकी है, लेनी है? चलो फिर ले आते हैं दवाई, मम्मा से पूछो फिर दवाई लेके आते हैं। और यहाँ पे जी अनाया जो है खेल रही है। अनाया इधर देखो, नया नया कपड़े पहने हैं। वाह भाई वाह, नया नया सूट आज तो पहना हुआ है। आप दिखो ना इसको, छोड़ दो। वाह माशाल्लाह जी, अनाया का ड्रेस चेक करें, इसको छोड़ो तो सही। वाह, ये जूता भी इसके साथ का पहना हुआ है नया ने, क्या बात है। चक्कर खा के दिखाओ, चलो। ये तो हुआ ही नहीं है, ये तो घूमा ही नहीं, घूमा ही नहीं है ये तो। हाँ, जी ये माशाल्लाह इसको ना बहुत पसंद है ये वाले कपड़े ना। कहती मम्मा मुझे पहना दो, ये कहती है मुझे बस ऐसे ड्रेस पहना हो। आज गेस्ट आए हुए थे ना, तो जी इसीलिए जो है ना इसने जो है ना कपड़े वगैरह अपने लिए जो है पहने हैं। इसने अपने बाबा को तो नहीं उठा के दिए कपड़े, चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं, दिखाओ तो। वाह मेरे बेटे ने चूड़ियाँ उतार के ना इसने फेंक दी, चूड़ियाँ उसने उस हाथ से भी निकाल के ना। वो जी समरीन ने जो है ना चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, मैं तो इसको कई बार कहता हूँ, अब हंस रही है ये देखो। मैं कई बार शहर जाता हूँ ना तो इसको बोलता हूँ कि कोई चीज़ लेनी है तो बता दो,
तो बहरहाल ये जो है ना चूड़ियाँ नहीं लेती है, कहती है मैंने नहीं पहननी, ना ही इसको मेहंदी लगाने का शौक है, ना ही चूड़ियाँ पहनने का शौक है, कोई चीज़ नहीं, बस दिस इज सिंपली। कभी कभार किसी के घर घर जाना हो या बाहर जाना हो ना, किसी के घर जाना हो तो फिर हम कर लेते हैं तैयारी वगैरह थोड़ी सी, वो भी दृश्य के डांट खा के ना। यार देखो अच्छा नहीं लगता ना बंदा, मेरी ना शुरू की आदत है, मैं मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती मेरी। यार इतनी इतनी सादी जाल भी हमें मिलनी थी यार, भला हम खुद तो थे सादे, चलो ये इसको चाहिए था कि चलो थोड़ा बहुत। मेरी जब इमरान के साथ भी शादी हुई थी ना जी, तो उस टाइम भी मैं उधर भी नहीं लगाती थी, अच्छा, ना चूड़ियां पहनती थी, ना लिपस्टिक लगाती थी, अच्छा, और ना मुंह पे जैसे बेस वगैरह था ना ये लगाती थी, अच्छा। वो भी मुझे डांटते थे कि आपकी नई नई शादी हुई है, आप जहर से बात है चूड़ियां पहने कांटे वगैरह पहने। मैंने जब मम्मी की तरफ जाती थी ना फिर मैं पहनती थी जी, बिल्कुल। अब मेरा दिल नहीं करता कुछ पहनू या करूँ, वैसे भी नहीं, मैं शुरू से नहीं इस तरह की सादगी में। बाकी मेरी सिस्टर माशाल्लाह जो मुझसे बड़ी है छोटी है, वो लगाती हैं, इनको शौक है मेहंदी का, चूड़ियों का और मेकअप का, वो लगाते हैं। ये नाइट क्रीम भी नहीं लगाती आप है ना? नहीं मैं नहीं। हाँ अच्छा यार, वैसे ये है कि खर्चा बनने का बच जाता है ना, ये तो बात है। अच्छा अभी चल गए मैं कोई खर्चा करवा अभी ये गुस्से में खर्चा कराएगी। अच्छा मैं भी इसको जब लेके जाता ना बाजार तो मैं पूछता रहता हूँ, समरीन यार बोलो क्या लेना है, समरीन बोलो क्या लेना है, तो समरीन इतनी खामोशी के साथ बैठी होती है जैसे कि मेरे साथ है ही नहीं। नहीं मुझे पता है तो कि लेके नहीं देना, इसको पता है क्योंकि फजूल चीजें जो है ना मैं इसको नहीं लेके देता ऐसे ना। इस तरह की ना छोटी छोटी जो चीजें होती है ना वो अच्छी लगती है, छोटे बच्चों वाली नहीं, हाँ छोटे छोटे जिस तरह की वो सजाने के लिए होती हैं, हाँ हाँ उस तरह के ना, जब देखते ना बाजार में चमकीली चीज कोई भी मुझे नजर आ गई छोटी है या बड़ी, ये पागल हो जाती है। मैं से कहती हूँ ये तो ले दो, ये तो ले दो, कहते नहीं ये नहीं लेके देने, मैंने कहा आप ले दे मुझे ये है वो, कहते नहीं रहने दे आप, तो फिर मैं चुप कर जाती हूँ। जब फिर घर आते फिर ये मुझे कहता है कि जब मोटरसाइकिल घर के आगे रोकते फिर मुझे कहता है कि हाँ कुछ लेना तो नहीं है, फिर मैं सब गुस्से में कहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं लेना आप जाए। पैदा जब मैं कहती हूँ बाजार में या कुछ चीज खाने की कह दूँ ना इसे कि द्रीस ये तो ले दो, ये सुन रही कहते हैं यार बिरयानी तो ले दो, फिर ये कहता है ये अच्छी नहीं होती इस तरह की होती है। अच्छा मैं कहती चलो ये तो ले दो, शुअरमा हो गया या लेग पीस जो होती है शीखे में डाल के भूनते हैं, मैं कहती ये कहते ये कौन से अच्छे होते हैं ये इस तरह के, कहता कहता मुझे घर ले आता, फिर घर में आके कहते कि खाने के लिए कुछ ले आऊँ, फिर मैं इसके साथ बोलती भी विंग्स का इसने मुझे कहा था मैंने विंग्स आपको खिलाए नहीं थे, वो तो खिलाए थे ना, बहुत कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई नहीं थी, जिद की थी ना। देखिए जी प्यारे बहन भाइयों, एक्चुअली बात यह है कि फास्ट फूड खाने से ना इंसान की तबीयत वैसे भी ख़राब रह जाती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको कुछ बाहर की चीज़ें ना खिलाया करूँ, मैं इसीलिए ना कोशिश करता हूँ कि घर में ही बना लो, कोई बात नहीं, आपके बाहर की चीज़ें खा खा के ना बंदा यह है कि बीमार हो जाता है, क्योंकि उनकी कोई सेफ्टी नहीं होती, कोई साफ़ सुथराई नहीं होती, घर में इंसान खुद बनाता है ना तो पता होता है कि हमने ठीक बनाई है, तो इसीलिए जो है ना मैं इसको नहीं बाहर से लेके देता ऐसे ना। भी हम जाएंगे वो लेने के लिए, क्या क्या कहते हैं पिज़्ज़ा, नहीं नहीं आप इसने जो है ना वो नहीं रखा ना, अपना रोज़ा नहीं रखा होगा तो इसीलिए आप जाएंगे, हम बादाम लेके आएंगे, अखरोट भी लेके आएंगे, क्या अच्छा चार मगज वो भी लेके आएंगे, इससे अच्छा। मैंने कहा सुबह ये कहते रहने अब ये काम रह गया मैं तुम्हें लेके देता हूँ, कहता चलो मैंने कहा चलो मैं साथ ले चलती हूँ। नहीं नहीं आप ले लेना यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वही तो कह रहा ना पीछे अभी आपके तकिए के अंदर जो हम डाका मारते हैं जितने सही मैंने ना इससे छुपा के रखती हूँ पैसे नाये के तकिए के अंदर, ये दीस को पता ना चले, ये ना जो उनसे खड़ी है ना ये मिस का इतना साथ देती हूँ ना, जब ये चीज़ के पैसे मांगती है या कुछ कहती है कि मम्मा मुझे चीज़ लेना, दीस कहते हैं आप इसे अपने सर पे ना छोड़ा पैसे इतने ना दिया करें ये फिर पढ़ने नहीं जाएंगे, हाँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं बच्ची है, मैं इसका तर्स खा के ना इसको देती रहती हूँ पैसे, फिर ये जब मैं नीचे बर्तन धोने के लिए या सफाई करने के लिए आती ना फिर अपने बाबा को बता देते कि मैं आपको बताऊँ मम्मा के पैसे कहाँ हैं, मम्मा के पैसे कहाँ होते हैं, फिर ना ये आती है दीस को दे देती है तकिया के इसके अंदर पैसे, इसने सुबह भी उसमें से ना इसने पैसे ना उठा लिए, कितने उठाए 100 रुपया उठाया था, इतने ही थे ना, हाँ। तो वो मैं रखती हूँ उनके लिए किंजा फातिमा के लिए ना, अच्छा मैं उधर जाती ना फिर उनको देती हूँ चीज के लिए, फिर वो खुश होती है मेरी जो उनसे छोटी बहन, हाँ ये तो है, तो इसने अब इसने ले लिया इसको मैं आज के बाद नया को नहीं दूंगी बस, है नया
तुम्हारी मम्मा छुपा के रखती है ना पैसे? बाबा से लेंगे। कहाँ पे छुपाती है? किस में? तकिए के अंदर छुपाती है ना। हाँ चलें। नहीं नहीं अब नहीं उठाने, बस 20 रुपए बचे हैं जो आपने रखे हैं। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। मैं अभी नहा लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ, नमाज पे भी जाना है। इंशाल्लाह इसी तरह हमारे साथ रहिएगा। चले जी। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी मैं धो रही हूँ कपड़े, तो मैंने कपड़े यहाँ पे इकट्ठे करके रख लिए हैं सारे। तो चार पाई की चादरें थी, तो द्रीस के भी कपड़े थोड़े से थे, नाया के भी थे। मैंने कहा चलो थोड़ी सी तबीयत जैसे ठीक हो गई है, तो आज तीसरा दिन है। आपको तो हम बताते हैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये सब मैंने मंगवा लिए हैं। तो यहाँ पे जी नाया खेल रही है, ये देखें। तो अभी मैंने इसको ये वाले कपड़े पहना दिए, अब इसके धोने वाले हैं, क्योंकि इसके ना सर्दियों के कपड़े हैं, तो गर्मियों के भी निकालने वाले हैं, तो अभी वो भी निकालेंगे इंशाल्लाह इस पेटी से। तो वो भी ना निकालेंगे कपड़े इसके, वो भी धोऊंगी। तो कुछ हमारे बहन भाई है जो हमें कमेंट करते हैं, तो आप हमें कमेंट करते हैं। एक हमारा भाई है, वो हमें कहते हैं कि आप हमें उल्लू बनाए रखें। तो भाई आप हमें इस तरह के मैसेज करते हैं, हमें कोई दुख नहीं होता, फिर भी हम आपको दुआ देते हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को सेहत अता फरमाए, आमीन सुमामीन। तो हम फिर भी आपसे आपके लिए दिल से दुआ करते हैं और करते रहेंगे। तो आपने जिस तरह से ये मैसेज किया है, जहरी सी बात है, हमें दुख होता है। खैर कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, होता रहता है। तो मैं ये भी कह रही थी कि हम किसी को उल्लू नहीं बनाते, ठीक है। और हम जो भी वीडियो बनाते हैं या कुछ दिखाते हैं बताते हैं, वो सब कुछ सच होता है, हम किसी को झूठ नहीं बोलते। तो एक हमने ये वो वाली व्लॉग में ये भी बनाया था कि हम जा रहे हैं, तो वाकई में भी हम जाएंगे, थोड़े दिन के बाद चले जाएंगे। अभी हमें वो मकान ढूंढ रहे, अभी मकान नहीं मिला। वो भाई कह रहे थे कि दो तीन दिन बाद आना पता करने के लिए। तो खैर अभी हम कल भी गए थे, कल भी दृश्य पता करके आए हैं। वो कह रहे बस थोड़े दो दिन अभी उसने दे हैं, पहले 3 दिन का कहा था, अब 2 दिन बाद कह रहा भाई, कह रहा आप आ जाना, तो इंशाल्लाह वो भी हम ले लेंगे। तो एक उस व्लॉग में भी ये कमेंट आया था कि मांगने का बहुत अच्छा तरीका है। तो अगर आपको हमारे ये इस तरह की वीडियो से मसला होता है, आप हमें बता दिया करें, तो मैं उस उनको भी वो करती हूँ, दुआ देती हूँ, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, आबाद रखे, उनको और उनके बच्चों के साथ, उनके घर वालों के साथ उनको सलामत रखे, सेहत अता फरमाए, आमीन सुमामीन। तो आप इस तरह के मैसेज ना किया करें, हमें बहुत ही तकलीफ़ होती है कि वो इसलिए तकलीफ़ होती है, जहरी सी बात है कि अभी आपको तो पता है कि हमें चैनल की कितनी टेंशन है। अल्लाह पाक बस हम तो अब सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक बस आप सबको सेहत अता फरमाए, बाकी हमारी टेंशनें हैं, ठीक है। हम खुद अपने आप के साथ वो कर लिया करेंगे, हम व्लॉग में ये नहीं बताया करेंगे कि हम परेशान हैं या हम परेशानी है। तो अगर किसी भी हमारे बहन भाई को अच्छा नहीं लगता तो कोई मसला नहीं, हम आपको आज के बाद नहीं बताएंगे। खैर तो अभी हम कुछ दिन बाद बस चले जाएंगे यहाँ से, तो मैंने कपड़े भी धोने हैं। तो यहाँ पे खिलौरा भी बहुत ज़्यादा मैंने वो किया हुआ है, कपड़े वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ से भी मैंने निकाले हुए हैं। ये पंखा भी पीछे करना है, ये कूलर पंखे को भी मैंने पीछे करना था, तो अभी वो भी करना है। ये बच्ची बहुत गंद करती है नाया, तो ये बात नहीं मानती। एक ये एक दो जो मुर्गी हैं वो, तो खैर तो यहाँ पे धूप भी माशाल्लाह से तेज़ है आज। तो आपको तो पता है इस टाइम ना यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ना करो ये जी, अपनी नानू के घर से लेके आई है लिपस्टिक, ये देखिए ये इसके साथ ना खेल रही है, दीवारों को लगा रही है, यहाँ पे ना दीवारों को लगा रही है। लेकिन ये मैंने उसको मना किया था, अपनी छोटी सी सिस्टर को, क्या आप रहने दें, ना दें इसको। तो यहाँ पे जी ये मुर्गा भी अब आजकल बहुत ही मारने लग गया है, इसको पता नहीं क्या हो गया, ये बहुत गुस्से में होता है आजकल। तो माशाल्लाह से हमारी मुर्गी के बच्चे इधर हो जो मारे गए आपको, उसके बच्चे भी निकल आए हैं मुर्गी के, नया पीछे हो जो, तो वो भी आपको दिखाते हैं बच्चे। पता नहीं इसने, हाँ ये है जी अपनी मम्मा के साथ बैठे हैं, ये देखें आपको पता नहीं धूप की वजह से पत्नी नजर आ रहा होगा कि नहीं,
तो ये अपने साथ ही लेके बैठी है बच्चों को। अभी ये खोलेंगे तो ये मुर्गा हमें मारने के लिए आ जाएगा, इसलिए मैं इनको नहीं खोल रही। तो मैंने कहा चलो अपनी बहन भाइयों को दिखा दी। बहुत ही माशाल्लाह से इसके बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, अपनी मम्मा के साथ बैठे हैं। तो उसने अभी थोड़े से ना उसके अपने नीचे छुपा के रखे हुए कि कोई उठा ना ले। तो भी मुझे डर लग रहा है कि ये मैं खोलूँ तो ये मुझे मारने ना लग जाए। तो यहाँ पे एक मुर्गी ने और भी अंडा दे दिया है, वो वाली मुर्गी जो उनसे अंदर फिर वो भी है, अभी अंडे निकालना शुरू वो भी कर रही है। इंशाल्लाह उनके भी बच्चे होंगे, अभी इसके हैं छोटे छोटे, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे जब खोलेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हम चलते हैं जी नीचे, पहले तो उठाते हैं यहाँ से खिलारा, सारा यहाँ से खिलारा उठा लें तो अंदर की सफाई करके फिर जाएंगे हम नीचे एक ही बार जाके, फिर जो सफाई कर कपड़े धोते हैं फिर इंशाल्लाह आएंगे ऊपर अपनी बहन भाई के साथ मुलाकात करते हैं। प्यारे बहन भैया मैं नीचे आ गई हूँ, तो मैंने मशीन में पानी डाल दिया है, तो ये मशीन काफ़ी स्लो चल रही है। तो अदरीस के मैंने साफ साफ कपड़े जो उनसे थे वो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। तो अभी मैं और भी पानी डालती हूँ कि पानी की वजह से ये क्या पता इस तरह की चल रही हो। तो अभी हम पानी भर रहे हैं, तो अनाया गई है अपनी दादी के घर, तो मैंने उसको बुलाया है मम्मा मैंने नलका चलाना है आपने कपड़े धोने हैं। तो मैंने कहा कि आप आ जाओ, पर वो किसी को नहीं आई, लेकिन मैंने नलका चलाना है अपने कपड़े धोने हैं। चलो अभी वो मुझे ना ऐसे क्या है कि चली गई है, तभी फिक्र वो नहीं है। तो अभी चलो हम डालते हैं पानी मशीन के अंदर, तो क्या पता ये तेज़ हो जाए। तो वैसे अभी फिक्र ये हो ही नहीं है, ये देखिए ख़राब हो ही करिए लगता है मशीन। खैर चलते हैं, मैं ना अनाया गई है अपनी दादी के घर ना, तो मुझे डर लगता है कि मैं इसे इसलिए बार बार देखती रहती हूँ। तो दीदी यहाँ पे एक अम्मा आई थी मांगने वाली, वो अभी तिकर भी वहाँ पे खड़ी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। तो इसीलिए ना मैं देख रही हूँ अनाया को, अनाया की दादी का घर बिल्कुल साथ ही है। तो अभी आते फिर इंशाल्लाह अभी हम ऊपर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैंने कपड़े अदरीस के धो लिए हैं, तो अभी कुछ रहते हैं वो भी धोने हैं। ये देखिए जिसके कपड़े तो मैंने भी साथ में अपने धो लिए हैं, और तकियों के छाड़ भी धो लिए हैं। यहाँ पे चील आ रही है जी, यहाँ पे इसने देखे हुए हैं बच्चे चूचे के, उसके सॉरी मुर्गी के बच्चे, तो ये इसलिए ना आ रही है, तो ये चक्कर लगा रही है। यहाँ पर अनाया भी आ गई है, तो अभी ना अभी कुछ कपड़े रहते हैं मैंने रख वो उसको मशीन में डाले हुए हैं, चारपाई की जो उनसे चादर हम लेके आए थे वो। तो अभी सब्जी वाला भी आया था, तो मैंने उसे सब्जी लेनी थी, वो उसके पास ना शलजम नहीं थे, मेरे ना शलजम खाने का इतना दिल कर रहा था ना, तो इसलिए उसके पास नहीं थे। भाई के पास आलू मटर थे और टिंडियाँ थी और बाकी सारा सामान था, तो फिर इसलिए ना मैंने कहा बस आज ना मेरे दिल शलजम और मटर खाने को कर रहा है। तो अदरीस से मैंने पूछा था कि मैं क्या बनाऊं, फिर अदरीस ने कहा था कि आप ना जो भी दिल करे बना लेना। फिर मैंने पूछा कि पहले ये मैं वो बना लूँगी आलू मटर, कितनी आलू मटर रहने दे आप, तो आपने वो बना लेना है कि जो भी दिल करे आप बना लेना। मैंने कहा चलो ठीक है मैं शलजम मटर बना लूँगी, कहते ठीक है बना लेना। तो वो आएँगे शाम को लेट, क्योंकि वो अफ्तारी उधर ही करेंगे काम पर, तो क्योंकि ना आज वो काम पर गए हैं, तो कहते हैं आज तो मैं घर नहीं आऊँगा, आप चाहे दोपहर को बना लेना या शाम को बना लेना। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो भाई दे रहा था खीरे 100 रुपए के 2 किलो, तो कहता भाजी आप खीरे ले लें, तो छोटा सा था, कहता भी आप खीरे ले लें तो 100 रुपए के ना आप खीरे ले। मैंने कहा भाई नहीं खीरे तो नहीं मैंने लेने। मैंने कहा जी चलिए आप मुझे ना 50 के दे दे। फिर कहने लगा आप 50 के, मैंने कहा चलो ठीक है 50 के, तब अभी मैंने आपको ना 50 के किलो दे देने। इसने फिर उसने मुझे 1 किलो खीरे दे दिए हैं, तो अभी मैंने ये रखे हुए। मैंने कहा चलो अदरीस की आदत है सलाद वो उसके साथ रोटी के साथ मैं देती हूँ उसको, फिर वो खाते हैं तो मैं भी खा लूँगी। तो आपको तो पता है इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए अच्छी होती है, तो इसलिए ना अभी मैं वो कर रही हूँ काम वगैरह कर रही हूँ। तो अभी मैं नीचे जाऊँगी दोबारा से कपड़े निकाल के आऊँगी, तो इंशाल्लाह फिर शाम वाली वीडियो में बनाएंगे जी हम सालन, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल है अब्दुलरहमान वाले, वो जैसे आएंगे फिर उनको भेजूँगी, वो सौदा लेके आएंगे। आ गए हैं वो, पक्की बात है।
चलें जी, फिर उनको बुलाते हैं। वो थोड़े सा ना खाना वगैरह खा ले, क्योंकि अभी अभी वो स्कूल से आए होंगे, क्योंकि एक बजे उनको छुट्टी हो जाती है। तो बिन से मंगवाते हैं, फिर शाम वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम अपने बहन भाई को दिखाएंगे कि मैं बना रही हूँ सालन की, नहीं बना रही, फिर क्या सोचा है। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त मिलेगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखेगा अपने ख्याल, खुश रहे, बाद रहे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।